तो ये है अपना ड्रोन का बैग, और इसमें है ये ड्रोन का रिमोट, ड्रोन की ये दो बैटरीज और चार्जर, और उसकी कुछ बची हुई एक्सेसरीज। लेकिन इसमें ड्रोन नहीं है, क्योंकि लद्दाख में सब कुछ टकाटक चल रहा था। अलग ही जलवायु लद्दाख का यार, मजा सा आ गया। मतलब इन 7 दिनों में ना पता नहीं चला एक एक मिनट कहाँ निकल गया। राइड करते करते चाहे वो टफ राइड हो चाहे वो इजी राइड हो, बट भाई पूरा एंगेज करके रखा है लद्दाख ने। फिर सीन ये हो गया भैया जी कि अपन बहुत ही बेहतरीन ड्रोन शॉट ले चुके थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता नहीं उसका क्या हुआ कि बैटरी वगैरह लो ही वो वापसी भाग लिया, सिग्नल लॉस्ट हो गया। मैं शूट एम शूट यहाँ भागता हुआ आया हूँ, अब ड्रोन कहीं पे गिर गया। अब इतनी बड़ी फील्ड है, कहाँ गिरा है थोड़ी नजर मारनी पड़ेगी। दिनेश भाई उस साइड ढूंढ रहे हैं, मैं उस साइड ढूंढूंगा, मिल जाएगा तो अपने को बेहतरीन शॉट देखने को मिलेगा यार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो नेट लद्दाख में अपना ड्रोन खो गया, बोले तो हवा के साथ बह गया, थोड़ी उसकी बैटरी डाउन थी। अब पॉइंट याद है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रोन नहीं लूंगा, मैं 2-4 ट्रिप बेशक से बिना ड्रोन के मार दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई सिंगापुर या फिर US वगैरह से आए तो वो ड्रोन लेता है, क्योंकि लगभग 30-40 हज़ार रुपए का फर्क है। इंडिया में ड्रोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन एक बात और है कि आने वाला जो ट्रिप है वो इतना जहर होने वाला है, उसके नजारे इतने जहर होने वाले। फिर मुझे ये लगने लगा कि भैया ड्रोन के बिना तो अपना हो नहीं पाएगा, जो भी है किसी भी तरीके से पैसा जुगाड़ के ड्रोन तो अपने को लेना पड़ेगा। तो फाइनली अपन ने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट ट्रिप से पहले अपन ने ड्रोन लेना है। इसलिए आज अपन ड्रोन लेने जा रहे हैं। कौन सा ड्रोन शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, थोड़े बहुत ड्रोन के जो रूल्स मैंने पढ़े हैं वो क्या है, कितने कितने के ड्रोन है और कहां से ले रहा हूं, तो अपन ये सारी चर्चाएं करेंगे अपनी बन्नो, बोले तो अपनी बाइक पे। यहां से चलते हैं गुड़गांव के लिए, तो मिलता हूं सीधा आपसे अपनी बन्नो पे। जय बजरंगबली। चलो अब स्टार्ट करते हैं चर्चा कि आखिर ड्रोन कौन सा ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो मेरा पुराना ड्रोन था वो था DJI Mini 2। एक दो बार वो ठुक चुका था, इस चक्कर में वो जो है ना थोड़ी थी तेज हवा चलती थी तो वो बह जाता था। एक्चुअल में ड्रोन के लिए मैंने सिर्फ 3 ही मॉडल्स देखे हैं जो आज की डेट में बड़े धमाल मचा के रख रहे हैं, जितना भी मेरे को इंटरनेट से नॉलेज मिली है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक तो है नैनो का डेयरी का DJI Mini 4 Pro फ्लाई मोर कॉम्बो, बोले तो उसमें 3 बैटरीज आती है, उसका कुछ 34 मिनट्स का बैटरी बैकअप होता है एक बैटरी का, और वो नैनो कैटेगरी का है, बोले तो 249 ग्राम्स का वो ड्रोन होता है और काफी सारे फीचर्स हैं। बोले तो उसमें जो है ना स्मार्ट कंट्रोलर वगैरह आ रहा है, पहले अपने को मोबाइल फोन वगैरह लगाना पड़ता था, वो भी ऑप्शन है मोबाइल फोन लगाने वाला रिमोट में, लेकिन जो स्मार्ट कंट्रोलर है उसमें उसी की स्क्रीन होती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर होती है। तो वो देखते हैं कि अपने को इन दोनों में स्मार्ट कंट्रोलर और विदाउट स्मार्ट कंट्रोलर का जो प्राइस डिफरेंस है वो मोटा मोटा 12 से 15 हज़ार रुपए तक का है। नेक्स्ट भी यही है DJI Mini 4 Pro, बस उसमें थोड़ी बैटरी चेंज हो जाती है, जिसमें हमें एक बैटरी से 45 मिनट्स का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन उसके साथ चैलेंज आ जाता है क्योंकि बैटरी थोड़ी हैवी है, तो वो नैनो कैटेगरी से बोले तो 250 ग्राम से ऊपर हो जाता है, वो माइक्रो कैटेगरी में आ जाता है। बोले तो जो 250 से लेकर 2 किलो तक के ड्रोन है वो माइक्रो कैटेगरी में आते हैं, और उनको DGCA की कोई साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना हम नहीं उड़ा सकते। लेकिन उसके लिए कोई लाइसेंस या कोई स्पेशल परमिट वगैरह नहीं चाहिए। उसमें आया था DJI Mini 4 Pro विद एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप। मिनी 4 प्रो की खासियत ये है कि उसमें ना वर्टिकल मोड, बोले तो जैसे रील वाला मोड होता है उसमें भी शूट किया जा सकता है। इसके ऊपर आता है फिर माइक्रो कैटेगरी का DJI Air 3, जो कि इनसे काफ़ी हैवी है। टोटल उसका वेट है 720 ग्राम्स। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे को एडवांटेज लगता है DJI Mini 3 का, वो ये कि यार वो ड्रोन बहुत ज़्यादा हाई विंड को भी रेसिस्ट कर लेगा। जैसे अपन लद्दाख वगैरह गए थे, अपने साथ क्या हुआ था, अपना ड्रोन हवा के साथ बह गया था, थोड़ी सी बैटरी लो हुई, हवा तेज थी, वो हवा के साथ ही बह गया। या फिर जब भी मैं पहले भी उड़ाता था, बहुत ज़्यादा अगर विंड चल रही होती थी तो मेरे को एकदम 15-20 मीटर ऊपर जाते ही ना इस ड्रोन की वार्निंग आ जाती थी कि भाई विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्लाई विद कॉशन, तो उसमें अपनी हमेशा ही फटी रहती थी, तो अपन बहुत ज्यादा दूर या फिर बहुत ज्यादा हाई उड़ा नहीं पाते थे इस चिंताओं में। फाइनली जो भी हुआ वो विंड के साथ ही बह गया। पॉइंट ये आता है क्योंकि DJI Mini 4 Pro जो 249 ग्राम्स वाला है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जनरली मैं तो ये चाहता हूं कि मैं वो ड्रोन लूं, चाहे उसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, हार्डली 10-12 मिनट ही उड़ाते हैं एट अ टाइम ड्रोन को, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स आ जाए, बस कुछ 7-8 शॉट्स लेते हैं जिसमें से 2-3 काम के होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चैलेंज है जो मैं पहले फेस कर चुका हूं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा घबराता हूं उस ड्रोन को लेने में, वही है कि वो विंड रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा कमाल की नहीं है, वो थोड़ा डगमगा जाता है हाई विंड में। और अपने को तो यार ऑल ओवर इंडिया घूमना है, कोई सिर्फ फरीदाबाद या दिल्ली वगैरह का तो है नहीं, बोले तो लद्दाख वगैरह जाना है, समंदर किनारे जाना है, वहां पे विंड बहुत ज्यादा हाई होती है ना। मन तो मेरा DJI Mini 3 का है, अब क्या कर रहा हूँ, साथ में मैंने पीछे पेटी लगा रखी है अपनी बाइक पे, वो साथ लेके जा रहा हूँ। मेरे को देखना यह है कि मैं पेटी में उस ड्रोन को सही से एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वेट भी बहुत ज्यादा है, 720 ग्राम्स है एज कम्पेयर टू 249 ग्राम्स। लेकिन उसके अगर पूरे बॉक्स की बात करें तो अगर DJI Mini 4 Pro का वेट करीब 2 किलो है, तो उसका बॉक्स का वेट पूरा जो होता है ना वो अराउंड 3.5-4 किलो का होता है।
फिर कई बार अपने को ट्रैकिंग वगैरह पे जाना होता है, जैसे मेघालय में कई जगह ऐसी थी यार जहाँ पे ना लंबी लंबी ट्रैकिंग करनी पड़ी थी, वहाँ पे जितना ज़्यादा वेट अपने पास होगा उतना ज़्यादा अपने लिए थोड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। अपने को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट यही करना है, अपना पेटी लेके जा रहे हैं बोले तो टॉप बॉक्स, उसमें जो अपना ड्रोन है बोले तो DJI Air 3 लेने की सोच रहा हूँ, वो एडजस्ट होता है नहीं होता, प्लस उसके साथ लैपटॉप वगैरह मेरा एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपन कॉल लेंगे कि अपने को Air 3 लेना चाहिए या फिर मिनी 4 पे ही चले जाएं। फिर मिनी 4 पे जाएंगे तो थोड़ा कॉशन के साथ ही उड़ा लेंगे और क्या यार, उसके साथ कोई झंझट नहीं है। प्राइस का डिफरेंस कितना है, DJI मिनी 4 प्रो का 1,13,000, उससे ऊपर जो एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप वाला आता है उसका प्राइस है 1,14,500 और DJI Air 3 का प्राइस है 1,41,000, बोले तो 1,41,000। तो यार ह्यूज डिफरेंस भी है प्राइस का। जो मैंने पढ़ा है वो ये लिखा है कि 249 ग्राम तक के जो ड्रोन है ना वो बिना किसी परमिट या लाइसेंस के मैक्सिमम 15 मीटर तक उड़ा सकते हैं। 15 मीटर कुछ भी नहीं होता यार, 15 मीटर में तो कुछ भी कैप्चर नहीं होता। और जो माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन है बोले तो 250 ग्राम से ऊपर के, उनको हम बिना किसी परमिट वगैरह के 60 मीटर तक उड़ा सकते हैं, जो कि स्टिल थोड़ा बेटर है, लेकिन अच्छे शॉट्स वगैरह लेने के लिए अपने को कम से कम 100 मीटर प्लस तो जाना ही पड़ता है। तो वो अपने को उड़ाते वक्त ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन कहाँ पे उड़ा रहे हैं। बस यही छोटा छोटा ज्ञान जो मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस या फिर ब्लॉग्स वगैरह पढ़कर लिया वो मैंने आपके सामने निचोड़ के रख दिया। अब एक काम करते हैं, अपन सिर्फ 3 सेकंड में पहुँचते हैं गुड़गांव। सो तो जी फाइनली 2 घंटे मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, उसके बाद मैंने फाइनल किया है DJI Air 3। मतलब कि 3 ऑप्शन देखे थे, DJI Mini 4 Pro, DJI Avata और DJI Air 3। तो फाइनली DJI Air 3 पे चलते हैं, इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और क्यों इसको चूज़ किया वो अपन वापस चल के चर्चा करेंगे। ये बैग, ओह भाई साहब ये ड्रोन हैवी है, जो मेरा मिनी 2 था उसके मुकाबले कम से कम 1.25 किलो ज़्यादा है। कंपैरेटिवली मतलब मैं जो सोच रहा था उसके मुकाबले थोड़ा कम हैवी है, स्टिल ये उठा के पता चल रहा है कि ये अच्छा खासा हैवी है। देखते हैं इसमें निकलता क्या क्या है। यहाँ पे कुछ डेटा केबल और इसकी बुकलेट्स वगैरह। अब देखते हैं मेन मसाला, मैंने मिनी 2 आज तक यूज़ किया है उसके बाद सीधा यही ड्रोन देख रहा हूँ, भाई ह्यूज फ़र्क है ह्यूज। वो 249 ग्राम्स का था, ये 720 ग्राम्स का है। साइज़ का भी फ़र्क है और फॉर्म फैक्टर का भी। ये हो गया अपना DJI Air 3, इसी में इसके प्रोपेलर्स भी हैं और एक्स्ट्रा भी प्रोपेलर्स हैं। ये हो गया सबसे बढ़िया इनोवेशन वाला बोले तो इसका रिमोट, जिसके अंदर स्क्रीन है बोले तो स्मार्ट कंट्रोलर। और इसके अलावा ये 3 बैटरीज का पैक विद चार्जर, 2 बैटरीज इसमें लगी हुई हैं, काफ़ी हैवी हैं, एंड 1 बैटरीज ड्रोन के अंदर। एक बार इसको आप फ्लाई करके देखेंगे। ड्रोन से अपन पहली फ्लाइट भर रहे हैं। कूल, तो फाइनली अपन ने ले लिया ड्रोन यार। मतलब एक्साइटमेंट का ना मैं लेवल नहीं बता सकता कि क्या लेवल है। दूसरी चीज़ ये कि ना यार पिछली बार जो था वो बिल्कुल छोटा ड्रोन था और ये थोड़ा बड़ा है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, खास करके इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट यार मैं चाहता ये था कि कम से कम थोड़ा अपग्रेड तो हो चीज़ें। अपन ने पहले हल्का ड्रोन उड़ा रखा है, उसके क्या चैलेंजेस हैं उनको फेस कर रखा है, अब ज़रा भारी ड्रोन उड़ाते हैं। कम से कम जो चैलेंजेस उसमें थे, जैसे हवा के साथ थोड़ा बहने वाला सिस्टम, विंड रेजिस्टेंस कम होना, ये तो इसमें नहीं होगा, बाकी इसके अपने चैलेंजेस होंगे जैसे इसको कैरी करना वगैरह। बट यार काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं 5:30 का यहाँ पे पहुँचा हूँ और 8:30 यहाँ से निकला हूँ। बीच में 2-2.5 घंटे मैंने पूरी जो है ना वीडियोस वगैरह देखी। DJI Avata 2 पे भाई ने मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि वो DJI Avata 2 जो है बोले तो FPV ड्रोन, वो 1,26,500 का था। तो भाई मैं पूरी तरह से ना मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं FPV ड्रोन लूँ, पर अगेन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ना मुझे लगा कि यार अभी ना थोड़ा मतलब FPV ड्रोन का क्या है कि फ़न टू डू है, फ़न टू फ्लाई है, साथ में उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अपना हाथ साफ होने को मांगता है, ट्रेनिंग ज़्यादा मांगता है, तो वो ठीक है, वो तो पीरियड ऑफ टाइम तो वो हो जाएगी। बट फिर मैंने यही सोचा कि यार अभी ना थोड़ा सा ऐसे ड्रोन पे चलते हैं जो थोड़ा सा सेफ हो अपने लिए फ्लाई करना, क्योंकि एक ड्रोन ऑलरेडी खो चुका हूँ और इसके साथ अभी मैं चाहता ही हूँ कि यार कोई पंगा ना हो। तो बस यही रीज़न था कि मैंने अभी फ़िलहाल इसको चूज़ किया। अब आने वाले हैं ड्रोन शॉट्स एकदम ऑसम मेरे आने वाले ट्रिप्स में। तो बस फिर मैं अब पहुंचता हूं घर।